वही बनोगे जो हर दिन करोगे। यह मंत्र आपको अपने लक्ष्य की दिशा में एकाग्रता और संघर्ष के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा। इस उत्कृष्ट मोटिवेशनल कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करता है। इस वीडियो में हम आपको देंगे एक अद्भुत प्रेरणादायक कहानी जो आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की महत्वता सिखाएगी। यह कहानी दिखाएगी कि कैसे हर दिन की छोटी छोटी क्रियाएं आपके उद्देश्यों की दिशा में आपको आगे ले जा सकती हैं। इस वीडियो को देखकर आप जानेंगे फोकस का महत्व और कैसे उसे अपनाया जा सकता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए नियमितता का महत्व, छोटे कदमों में बड़े लक्ष्य की प्राप्ति। अगर आप एक सफल और सशक्त जीवन जीना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। यह एक बहुत ही प्राचीन कहानी है। एक गांव में एक लड़का रहता था जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसे अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करने थे। इसी कारण गांव के सभी लोग उसे बहुत पसंद भी करते थे और उसकी बहुत तारीफ भी करते थे, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा मजबूत, मेहनती और बुद्धिमान भी था। उसकी मेहनत और लगन को देखकर सभी गांव वालों को यही लगता था कि यह लड़का जरूर एक दिन कुछ बड़ा करेगा, हमारे गांव के हालात ठीक करेगा, हमारे गांव को आगे लेकर जाएगा। और उस जवान लड़के को भी यह विश्वास था कि वह जो चाहे बन सकता है, इसलिए वह हमेशा चौड़ा होकर चलता था। पूरे आत्मविश्वास के साथ उसकी आंखों में हमेशा जोश और आत्मविश्वास दिखाई पड़ता था। और यह आत्मविश्वास ऐसे ही नहीं आया था, इस आत्मविश्वास के पीछे थी उसकी कड़ी मेहनत। क्योंकि वह घंटों घंटों तक तलवारबाजी सीखता रहता था, तलवारबाजी का कड़ा अभ्यास करता रहता था, जिसकी वजह से उसका शरीर बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली बन चुका था। ऐसे ही कई बार जब वह तलवारबाजी करके घर वापस आ रहा होता था तो रास्ते में कई सारी लड़कियां उसे देखकर मुस्कुराती थीं, और बदले में वह भी उन्हें देखकर मुस्कुरा देता था। वह उनमें से एक लड़की को पसंद भी करता था, लेकिन फिर भी वह उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वह वापस अपने घर आकर अपनी तलवार की धार को तेज करने में लग जाता और फिर उसे लेकर तलवारबाजी का अभ्यास करता। ऐसे ही वह रात में और भी ऐसे कई सारे काम करता जो उसे एक अच्छा तलवारबाज बनाने में उसकी मदद करते थे। अब यही उसका नियम बन चुका था। ऐसी ही एक अंधेरी रात को वह लालटेन जलाकर अपनी तलवार को तेज कर रहा था, तभी अचानक उसे पीछे से एक धीमी सी आवाज सुनाई पड़ने लगी। यह आवाज उसका नाम पुकार रही थी। लड़का जैसे ही यह आवाज सुनता है वह तुरंत तलवार लेकर खड़ा हो जाता है हमला करने के लिए। लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है वह देखता है कि वहां पर कोई इंसान नहीं है, बल्कि सफेद और लाल रंग की कोई चीज हवा में उड़ रही होती है। यह सफेद और लाल रंग की उड़ने वाली चीज एक आत्मा होती है, जिसे आप भूत भी कह सकते हैं। यह आत्मा देखने में बड़ी अजीब थी, क्योंकि न तो यह स्त्री जैसी लग रही थी और न ही पुरुष जैसी, न ही खुश न ही उदास। बड़े ही अजीब हाव भाव के साथ वह हवा में उड़ रही थी, और उड़ते उड़ते ही वह बोलती है, मैं दिखाने वाली आत्मा हूं। उस लड़के को यह बात समझ नहीं आती, लेकिन वह डरता भी नहीं है और तलवार उठाकर पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? आत्मा कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें अपनी ताकत दिखाना चाहती हूं। मैं दिखाने वाली आत्मा हूं, मैं तुम्हें वह सब कुछ दिखा सकती हूं जो तुम देखना चाहते हो। आत्मा की यह बात सुनकर लड़के को थोड़ा आश्चर्य होता है, पर क्योंकि यह इतनी अजीब घटना घट रही थी इसलिए उसने थोड़ा उत्साहित होकर आत्मा से पूछा, क्या तुम मुझे कुछ भी दिखा सकती हो? तो ठीक है, तो मुझे इस दुनिया की सबसे महंगी तलवार दिखाओ जो सोने और हीरे जवाहरातों से बनी है। यह सुनते ही वह आत्मा फूंक मारकर एक छोटा सा बादल बनाती है, जिसके अंदर उस लड़के को वह चमकदार तलवार दिखाई देने लगती है जो पूरी तरह से सोने से बनी थी और उस पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, जिसे हाथ में लेकर एक योद्धा तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। यह दृश्य थोड़ी देर तक रहता है और फिर गायब हो जाता है, लेकिन यह सब देखकर वह लड़का बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, यह तो सच में बहुत ही मजेदार और काम की आत्मा है। उसके दिमाग में एक विचार और आता है, जो किसी भी नौजवान लड़के के दिमाग में आम तौर पर आता है। वह मुस्कुराते हुए बोलता है,
अब तुम एक काम करो, मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की दिखाओ। वह जैसे ही ये बोलता है, उसके सामने फिर एक बादल बन जाता है जिसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की प्रकट हो जाती है। इतनी खूबसूरत लड़की जितना उसने आज तक अपने सपने में भी नहीं सोचा होता है। उस लड़की के लंबे काले बाल होते हैं, बड़ी और गहरी नीली आंखें होती हैं, सुंदर सा चेहरा और एक बहुत ही आकर्षक सा शरीर होता है जिसे देखकर वह जवान लड़का एकदम जम सा जाता है, या यह कहो कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह अगले कुछ मिनटों तक उस लड़की को ही एकटक देखता रहता है। फिर अचानक वह तस्वीर और वह बादल उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं, जिससे उस लड़के को बहुत बुरा महसूस होता है। थोड़ी देर बाद वह लड़का अपने होश में वापस आता है और उस आत्मा से कहता है कि तुम एक काम करो, अब मुझे इस दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा दिखाओ। यह सुनते ही वह आत्मा फिर से एक बादल बनाती है जिस पर एक बहुत ही ताकतवर योद्धा की तस्वीर उभर कर आती है। वह योद्धा देखने में बहुत ही लंबा, चौद्धा, शक्तिशाली और खतरनाक लग रहा था, जो कि एक एक करके सभी दूसरे योद्धाओं को मार रहा था। उस योद्धा की ताकत और तलवारबाजी को देखकर वह लड़का बहुत ही प्रभावित होता है और मन ही मन सोचता है कि एक दिन मैं भी इसी के जैसा योद्धा बनूंगा। अब ये सब चीजें देखने के बाद वह लड़का उस आत्मा से बोलता है, बस अब बहुत हो गया, मैंने बहुत सारी चीजें देख ली हैं, अब तुम यहां से जा सकती हो। यह बोलने के बाद लड़का वापस अपनी तलवार की धार तेज गर्मी में लग जाता है और अपने काम में व्यस्त हो जाता है। वह आत्मा लड़के की बात का जवाब देते हुए बोलती है, ठीक है, अगर तुम्हें अभी कुछ और नहीं देखना तो अभी के लिए मैं तुम्हारे घर से जा रही हूं, लेकिन अगर कभी तुम्हारा मन करे कुछ देखने का तो तुम अपने घर के पीछे वाले जंगल में आ जाना, मैं तुम्हें वहां वो सारी चीजें दिखा दूंगी जो तुम देखना चाहोगे। आत्मा की इस बात पर वह जवान लड़का कुछ खास ध्यान नहीं देता और अपनी तलवार को तेज करने के काम में लगा रहता है। अब जैसे जैसे हफ्ते गुजरते हैं, बीच बीच में उस लड़के को उन सभी चीजों की याद आती है जो उसने देखा होता है, इसलिए कई बार वह लड़का अपने घर के पीछे वाले जंगल में जाता है, उस आत्मा को देखता है और वापस घर आ जाता है। लेकिन एक दिन तलवारबाजी के अभ्यास के बाद जब वह लड़का बहुत थका हुआ होता है तो सोचता है कि चलो आज देख लेता हूं। वह उस आत्मा के पास जाता है और अपनी तरह तरह की इच्छाएं बताना शुरू कर देता है। वह कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों को देखता है, अलग अलग मौसम को देखता है, उसके कुछ दोस्त जो उसके साथ नहीं है उनको देखता है, और यहां तक कि कई बार कई सारी खूबसूरत लड़कियों को देखता है अलग अलग चीजों में। इस तरीके से हफ्ते महीने बदल जाते हैं और कुछ ही महीनों बाद इस लड़के में बदलाव आने लगता है। जहां पहले यह लड़का घंटों घंटों तक तलवारबाजी का अभ्यास करता था, अब वह रोज एक घंटा पहले ही घर वापस आने लगा था। कुछ दिनों बाद उसने उस आत्मा को भी अपने घर में ही बुला लिया था, जिसके बाद से वह आराम से जब चाहे और जितना चाहे चीजों को देख सकता था। पहले चीजें एक घंटे पहले हुई, फिर धीरे धीरे वह लड़का इतना आराम पसंद हो गया कि वह दो घंटे पहले आने लगा, फिर तीन घंटे। वह कई बार जल्दी घर आकर आत्मा से बोला, मुझे दिखाओ कि अच्छे योद्धा कैसे लड़ते हैं, और फिर धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। वह रोज अलग अलग योद्धाओं को लड़ते हुए देखता, उनकी लड़ाई का आनंद उठाता और सोचता कि काश मैं भी एक दिन ऐसा बनूं। ऐसे ही धीरे धीरे उसमें बहुत से बदलाव आने लगे। अब जब वह तलवारबाजी का अभ्यास करके घर वापस लौटता और लड़कियां उसे देखकर हाथ हिलाती, तो अब वह उनकी तरफ देखता तक नहीं था, उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर देता, क्योंकि अब उसने इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां देख ली थीं कि अब वह सोचने लगा था कि काश उसे भी एक दिन कोई ऐसी लड़की मिले, और जिस दिन उसे ऐसी लड़की मिल जाएगी वह उससे ही शादी करेगा और उसी के साथ रहेगा जिसके वह लायक है। कई बार वह आत्मा से लड़ाई दिखाने के लिए कहता जो उस समय दुनिया भर में चल रही थी। वह उन्हें देखता, उनमें से किसी एक को अपना हीरो बना लेता, उसके लिए चीयर करता, तालियां बजाता, और अगर उसका हीरो हार जाता तो वह उसके लिए दुखी भी होता। उसके बाद वह किसी दूसरे को अपना हीरो बना लेता, उसकी लड़ाई देखता और उसके लिए चीयर करता। अब ये सब चीजें करने में उसे बड़ा आनंद आने लगा था।
उसे इतना मजा आने लगा था कि अब उसने अपने तलवारबाजी के अभ्यास का समय एकदम न के बराबर कर दिया था, और अब तो वह घर आकर अपनी तलवार को धार भी कभी कभार ही देता था, और कुछ महीने बाद तो उसने अपनी तलवार को तेज करना पूरी तरह से छोड़ दिया। कई साल बीत गए और उसकी तलवार ऐसे ही पड़ी रही, जिसमें धीरे धीरे जंग लगने लगी। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे मजा आ रहा था। वह जो चाहे जब चाहे देख सकता था और खुश हो सकता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ऐसा नहीं था कि उसे सिर्फ मजा ही आ रहा था। अब धीरे धीरे उसे दूसरे बड़े योद्धाओं से जलन भी महसूस होने लगी थी, क्योंकि वह उनको देखता और फिर अपने आप को देखता तो उसे बहुत दुख होता, क्योंकि अब वह बहुत कमजोर हो चुका था, जबकि दूसरे बहुत ताकतवर थे। एक समय बाद उसे ऐसा लगने लगा कि अब वह कभी एक महान योद्धा बन ही नहीं सकता, और दूसरे जो बन रहे हैं वह उससे अलग हैं। उनमें कुछ खास बात है, उनके पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उसके पास नहीं हैं, इसलिए वह कभी एक अच्छा योद्धा बन ही नहीं पाएगा। तो अब तक वह जिन लोगों को अपना हीरो मानता था उनसे ईर्ष्या करने लगा, उन्हें गाली देने लगा, उनमें कमियां निकालने लगा। यहां तक कि अगर वह कभी दौड़ने भी जाता तो अच्छे से दौड़ भी नहीं पाता था। उसका शरीर बहुत भारी हो चुका था, उसे अपनी तलवार और ढाल का वजन भी भारी लगने लगा था, उसकी फुर्ती, चपलता और तलवारबाजी का कौशल भी खत्म होने लगा था। ऐसे ही कुछ साल और बीत गए और अब उस लड़के ने अपने बड़े बड़े सपनों को छोड़ दिया। अब उसे योद्धा नहीं बनना था, वह सिर्फ उस आत्मा की सहायता से बार बार कोई न कोई युद्ध देखता और उनमें ही जंग लड़ने की कोशिश करता। यहां तक कि अब वह 30 साल से भी ऊपर का हो चुका था। अकेला अपने जीवन से परेशान, लक्ष्यहीन, और उसके जीवन में कुछ अच्छा था भी नहीं। एक रात जब वह अपने कमरे में बैठा हुआ था, और जैसे ही रात के 12 बजे तो कोने में वह जो आत्मा बैठी हुई थी वह अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उस आदमी ने उसे देखा और चौंक गया। पिछले 10 सालों में आज तक उस आत्मा ने अपनी कोई भी भावना प्रकट नहीं की थी, वह बस एक गुलाम की तरह चुपचाप उसकी हर एक बात मानती चली आ रही थी। लेकिन आज वह हंस रही थी, और आज 10 साल बाद उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वह आदमी एकदम हक्का बक्का रह गया। उस आत्मा ने कहा, अब मेरा काम यहां खत्म हो चुका है, मेरा मकसद पूरा हो गया। डरे सहमे उस आदमी ने पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? यह सुन वह आत्मा फिर जोर से हंसने लगी और कहा, अब मुझे वो रहस्य बता ही देना चाहिए जिसे पिछले 10 सालों से मैंने तुमसे छुपा कर रखा था। असल में मैं एक शैतान हूं, मैं इस दुनिया की सभी बुराइयों की जड़ हूं। आज रात इस गांव में एक राक्षस हमला करेगा, और भविष्यवाणी में यह बताया गया था कि तुम उसी राक्षस को हराने के लिए पैदा हुए थे। तुम इस दुनिया के सबसे महान योद्धाओं में से एक बन सकते थे, तुम हमारी बुराइयों को खत्म करने वाले योद्धा थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब हम इस गांव में भयंकर तबाही मचाएंगे, और जितनी भी अच्छी आत्माएं हैं हम उन सबको अपने साथ लेकर जाएंगे। यह सब सुनकर उस आदमी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी चौंका हुआ वह आदमी पूछता है, पर तुमने 10 साल तक इंतजार क्यों किया? तुम तो 10 साल पहले ही मुझे मार सकती थी। तब आत्मा ने कहा, देखो, भविष्यवाणी में यह भी बताया गया था कि तुम्हें इस दुनिया का कोई भी राक्षस, कोई भी शैतान, कोई भी योद्धा हरा नहीं सकता था, और मैं तो बस एक छोटी सी आत्मा हूं, मैं तो तुम्हें छू भी नहीं सकती थी। लेकिन अगर तुम्हें कोई हरा सकता था तो वह तुम खुद थे, इसलिए मैंने तुमसे लड़ने की बजाय तुम्हें धीरे धीरे जहर दिया। तुम्हें ऐसी ऐसी फैंटेसी दिखाई, ऐसी ऐसी चीजें तुम्हारे साथ करी जिससे तुम अपने लक्ष्य से भटक गए और धीरे धीरे कमजोर होते चले गए। आज तुम इतने कमजोर आदमी बन चुके हो जो न तो अपनी रक्षा कर सकता है और न ही इस गांव की। यह सुनते ही उस आदमी का दिमाग एकदम हिल गया, उसे जोर का सदमा लगा, उसके पेट में दर्द चालू हो गया, इतना दर्द कि वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। और फिर धीरे धीरे दर्द में कराहते हुए उसने कहा कि क्या उन खूबसूरत लड़कियों को मैं फिर से एक बार देख सकता हूं? इस पर उस शैतानी आत्मा ने हंसते हुए कहा, हां, हमेशा, लेकिन सपनों में। दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह से हमारे आज के समय में भी फिट बैठती है, और अब तक आपने समझ लिया होगा कि आज के समय में हमारे लिए वो शैतान, वो डेविल कौन है।
इंटरनेट, सोशल मीडिया, पोर्न, ड्रग्स और ऐसे बहुत से एडिक्शन जो आज की यंग जनरेशन को लगातार वीक और पर्पस बनाते जा रहे हैं। हर एक इंसान जिसने अपने बचपन में कुछ सपने देखे थे वो उन सपनों को काफी हद तक पूरा कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसे आराम की लत लग गई, बिना मेहनत के चीजों को पाने की आदत पड़ गई, काम को टालना उसकी आदत बन गई। उसने ऐसे ऐसे एडिक्शन पाल लिए जिसने उसे उसके लक्ष्य से भटका दिया। इसलिए वह बड़ा तो हुआ लेकिन उसके सपने छोटे होते गए और अंततः उसने अपने ड्रीम्स को यह कर दिया। आज के समय में इंसान का जीवन इतना आसान हो गया है जितना पहले कभी नहीं था। आज वह इंटरनेट के थ्रू जो चाहे जब चाहे देख सकता है और खुश हो सकता है। उसे इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। आजकल डेली नीड्स की चीजें भी बहुत ही आसानी से उपलब्ध हैं, जिसके लिए पहले इंसान को काफी शारीरिक मेहनत करनी पड़ती थी। आज का मैन जो बनना चाहता है उस काम को और उसके रिजल्ट को इंटरनेट पर बड़ी आसानी से देख सकता है और खुश हो सकता है, जिससे उसके दिमाग को सस्ता डोपामिन मिल जाता है। अब क्योंकि दिमाग को उस रिजल्ट का डोपामिन मिल चुका है, इसलिए वह उस इंसान को उस रिजल्ट को रियल लाइफ में हासिल करने के लिए कुछ नहीं करता। इसके बजाय वह और सस्ते डोपामिन की तलाश में इंसान को ऐसे ही और चैलेंजेस को इंटरनेट पर देखने और उसके लिए खुशी मनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है, जिससे इंसान इस हैप्पीनेस हार्मोन का आदि हो जाता है और रियल लाइफ में चैलेंजेस को फेस करने से भागने लगता है, जिससे आज के आदमी का टेस्टोस्टेरोन लेवल, मस्कुलर टफनेस लगातार नीचे गिर रहे हैं, जिससे वह लगातार वीक और पर्पस बनता जा रहा है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी इस फेक और वर्चुअल दुनिया से बाहर आकर रियल लाइफ में चैलेंजेस लें और उन्हें पूरा करें। लेकिन इसमें सबसे जरूरी चीज है फोकस। बिना फोकस के किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता, तो जरूरी है कि हम हर तरह के एडिक्शन से अपना ध्यान हटाकर अपने काम पर लगाएं। लेकिन आजकल की दुनिया में इंटरनेट से डिस्ट्रैक्ट हुए बिना रह पाना लगभग असंभव है। इसलिए जितना हो सके खुद को हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रखकर अपने लक्ष्य पर फोकस करने का प्रयास करो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हमारे सपनों को बस सपना बनाकर छोड़ देता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।